नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सिवड़ी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज थी कि सर BHU BCOM के कट ऑफ के बारे में आप थोड़ा बताइए। सो फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU में जो बच्चे भी CUT UG के थ्रू BCOM में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो BCOM के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल एनालाइज कट ऑफ के बारे में, उसके सीट के बारे में, उसके कोर्स फी के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको इसी चैनल पे कमिंग डेज में आपका जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगा वो देखने को मिलेगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आपको अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिल सके। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU में जो BCOM है उसमें टोटल कितनी सीटें हैं और उन सीटों पे जो पॉसिबिलिटीज है एडमिशन के मेरिट कट ऑफ का, उसको भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये फैकल्टी कैसी है, पढ़ने लायक है कि नहीं, प्लेसमेंट्स कैसा है। कहने का सेंस ये है कि आपके करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी ये वीडियो है, आपके एडमिशन से रिलेटेड वीडियो भी है, आपके कोर्स फीस रिलेटेड भी ये वीडियो है। A to Z इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में आपको आज मिल जाएगा, क्योंकि जनरली मैं BCOM के वीडियोज़ नहीं बनाया करता था। हुआ क्या कि जब मैं बहुत सारे कोर्सेज के कट ऑफ वीडियोज़ बनाने लगा तो बच्चों के कमेंट भर भर के आने लगे, सर BCOM पे आप बात ही नहीं करते। सो फाइनली मुझे लगा कि भाई जब आप लोग फॉलो करते हो तो मुझे BCOM का हर कुछ बताना चाहिए। तो आप यूँ समझ लो कि अब आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको BCOM का A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इतना ही नहीं, आने वाले समय में मैं आपको BCOM के कोर्स की प्रिपरेशन के बारे में ही भी बताऊँगा, हमारे यहाँ वो कोर्स कैसे रन करता है, हमारे यहाँ उसकी फ़ीस क्या होगी, कैसे फैकल्टी पढ़ाती है, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कमिंग डेज में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको समझते हैं। ये एक ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट है लास्ट ईयर का, ठीक है। ये नंबर है जिसपे आप लोग ऑफिशियली हमसे जुड़ सकते हो व्हाट्सअप नंबर से। आपको क्या करना है, अपना नेम और कोर्स लिख के इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको स्टेटस पे ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ से आपको CUT एंड यूनिवर्सिटीज़ के जो भी ऑफिशियल कट ऑफ्स होंगे, ऑफिशियल न्यूज अपडेट्स होगा, वो सब टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा बस आपके व्हाट्सअप पे, ठीक है। ये लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ये आप लोग थोड़ा सा एक नज़र देखो कि बेसिकली ये क्या कहता है। ये कहता है कि जो स्टार्टिंग का राउंड है, क्योंकि देखो ये कौन से राउंड का है, ये सेकेंड राउंड का है। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड राउंड्स हैं ये बहुत हाई हैं। इससे आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत हाई है, क्योंकि ये जो पेपर हुआ था आप देख रहे हो 590, ये एग्ज़ाम हुआ था उस समय 700 का, लगभग 700 में सेकंड कट ऑफ जनरल के लिए 600 जा रहा है। अपने आप में बहुत हाई कट ऑफ है, लेकिन ये FMC के लिए है, ठीक है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, ये FMC के लिए। FMC क्या होता है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जो BHU का बड़ा गेट देखते हो, ये कोर्स जो उसके अंदर चलता है उसका कट ऑफ है। आपके पास मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी सीटें हैं भाई, देखो ये पूरा सीट लिस्ट मैंने बनाया हुआ है जिसमें आप FMC में देख रहे हो लगभग 300 सीटें हैं। कितना है, 286 ऑफिशियल मेंशन है, लेकिन हम लोग पेड सीट वगैरह को ऐड कर दें तो ये सीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 300 प्लस है। उसके बाद VCW, DAV, AMPG, इन सब कॉलेज में भी सीट बहुत ज़्यादा है, अबाउट 100 सीट यहाँ पे है, 227 यहाँ पे है, फिर 96 यहाँ पे है, और 114 आपके पास RGSC में है। लेकिन ये हर सीट का जो फीस पेमेंट है वो अलग है। ऊपर का जो ये 300 सीट आपका है, ये तो आपके पास 2 से 2500 में पूरे साल का फीस दे के आप इसमें पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जैसे हम RGSC की बात करें, यहाँ पे आपका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लगना है। इतना ही नहीं, अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूं, जैसे कि लड़कियों के लिए जो AMPG VCW है, यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे एज अ कोर्स फी। तो ये सीट जो है अपना फीस डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप जा रहे हो, इसीलिए बच्चे हमेशा FMC में पढ़ना चाहते हैं। जो आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो ये कट ऑफ है ये FMC का है, इसलिए बहुत हाई है, लेकिन ये कट ऑफ डाउन होता है। अब मैं 2023 का आपके लिए पॉसिबिलिटीज कट ऑफ बताने वाला हूँ, उस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। लेकिन उसको नज़र डालने से पहले हम लोग थोड़ा सा मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं, यानी आपके मेरिट बनने में कौन कौन से सेक्शंस ऐड किए जा रहे हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। आप जब BHU की बात करते हो तो BHU BCOM में ये दो डोमेन जिसका हो जाता है 2 × 200, यानी 400 के डोमेन्स आपके ऐड होते हैं। साथ ही साथ जनरल टेस्ट का 250 हो जाता है, टोटल 650 पेपर का इस बार जो है वो कट ऑफ बनना है, 650 मार्क्स का, ठीक है, 650 मार्क्स इस बार है। लास्ट ईयर हम लोग अगर देखें तो ये 700 था, क्योंकि जो GT था वो 60 क्वेश्चंस का था, इस बार 50 क्वेश्चंस का, ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स,
ये हुआ 250, लेकिन लास्ट ईयर ये था 300, तो टोटल हो गया 200, 200 एंड 300, ये हो गया टोटल 700, लेकिन इस बार कितना है 650, 650 मार्क्स। 650 मार्क्स में हम लोग देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है आपके, पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके एडमिशन का इन FMC एंड एफिलेटेड DAV RTSC हर एक कॉलेज में, ठीक है। देखो दोस्तों, जो जनरल है ये कहता है कि आपके स्टार्टिंग के जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएंगे, लगभग 520 के आसपास जो हो, यानी 500 प्लस में भी अगर आप होगे, ठीक है, अगर आप 500 प्लस भी ऐड करते हो तब भी मैं मानता हूँ कि आपको FMC में ऑफ़र किया जा सकेगा, खासकर लड़कियों को तो 100% चांसेस है कि ऑफ़र किया जा सकता है। OBC की बात करें तो 500 प्लस FMC की लिस्ट है, ठीक है, यानी फैकल्टी आप मेन कैंपस जहाँ पे आपकी फीस कम लगनी है, 2,500 लगनी है। SC का 400, ST का लगभग 320, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बार 2023 के लिए FMC में। लेकिन अगर हम लोग बाकी की जो सीटें बताया, जैसा कि RGSC में, DAV में, VCW भी, इन सब में, मतलब AMPC में, तो ये घट के कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, 400, 340, 270, इन सब पे भी, ठीक है, जनरल के लिए इतने पे, OBC के लिए इतने पे, और ST SC के लिए इतने पे भी आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बनने लगेंगी। अब आप देखो कि आप कितना मार्क्स पाते हो, आप इस वीडियो में कमेंट भी करो, मैं आपको पर्सनली भी कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि हाँ आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितने परसेंट है, 90% है, 70% है, 80% है, जिससे कि आप माइंड मेकअप कर लो कि हाँ आपका एडमिशन होने जा रहा है कि नहीं। EWS के लिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, EWS का लगभग 500 से 400 के आसपास रहेगा तो आपको FMC मिल जाएगा, क्योंकि देखो जब इसकी कोर्स फीस बढ़ेगी तो जनरली लोग वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सीट इतनी भी नहीं है कि बच्चे 100 भी नहीं रेडी होंगे, बच्चे रेडी हो जाते हैं। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे अलोकेट किया जाता है सीट, कैसे रेगुलर, कैसे पेड सीट का कोर्स अलोकेशन आपके पोर्टल पर जाएगा, ये आपको बेसिकली जानना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है आपको अगर पता रहेगा तो आपको कम से कम इतना माइंड में रहेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपके कैसे राउंड्स चलाए जाते हैं। इन सभी डिटेल्स के लिए मेरे जो कमिंग वीडियोज हैं आप उसको देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी इन पूरे दिए गए मार्क्स पे इतना एनालाइज कर पा रहे होगे कि हाँ आपके एडमिशन की कितनी पॉसिबिलिटीज है। ध्यान देना कि अनऑफिशियल है, ये अप डाउन भी होता है, डिपेंड करता है कि इस बार UG के थ्रू BHU में कितने रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये बच्चों की च्वाइसेस पे है भाई, बच्चों पर बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, इलाहाबाद भी है, DU है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां वो लोग जाके BCOM कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि BHU में BCOM कैसा चलता है, BHU में अगर मैं आपको बोलूँ कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, सबसे अच्छी फैकल्टी कौन कौन सी है, तो मुझे हमेशा लगता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लॉ, एग्रीकल्चर और BCOM, इन सब जगहों पर पढ़ाई बेसिकली अच्छी होती है और ये बहुत ही वेल मेंटेन रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। बाकी कुछ फैकल्टीज ऐसी भी हैं जहाँ पे इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, BCOM के बच्चे को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है वो लोग अपोज नहीं करते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स सुनने देखने को मिलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स उतना मेजर नहीं है कि आप एडमिशन के बारे में सोचो कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी हैं, आप जिस एक बड़े से बिल्डिंग में आके पढ़ाई करते हो उसमें MBA भी चलता है, तो आप MCOM भी चलता है, आपका जो माहौल है ना बहुत पढ़े लिखे लोगों का होता है, यही रीज़न है कि भाई आपकी जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो अच्छे लोगों के बीच में होती है। इतना ही नहीं भाई, कॉमर्स के लिए एक बहुत, अभी मैं सोशल मीडिया पर नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन समझ लो कि BHU में कॉमर्स फैकल्टी को लोग बहुत हैप्पीनेस आइज से देखते हैं, बहुत खुश होकर देखते हैं, तो कॉमर्स एक अच्छी फैकल्टी है, आप आके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं कॉमर्स फैकल्टी के मैं सेटिस्फाई हूँ पढ़ाई करने के लिए, बाकी जो एफिलेटेड के हैं उसका जो रिव्यू है वो मैं कभी किसी वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका कुछ खास रिव्यू नहीं है। FMC का रिव्यू इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे नॉलेज है, मैं आते जाते देखता रहता हूँ बच्चे जो हैं वो कितने मेंटेन हैं, उनका कन्वर्सेशन कैसा है, उनका लाइफ लिविंग कैसा है, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो बेसिकली मैं कॉमर्स फैकल्टी के FMC में जो बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए सकारात्मक है, पॉजिटिव है। मेरी एक इंस्टा आईडी है, पर्सनल भी है, एक मेरा प्रोफेशनल भी है, आप दोनों इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हो, मुझे खुशी होगी कि मुझे BCOM के बच्चे जो हैं वो मेरे इंस्टा पे हैं, क्योंकि थोड़े बिजनेस माइंडेड होते हैं, ठीक है, आगे आप लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते नज़र आओगे, तो आपके साथ मैं भी जुड़ना चाहूँगा, आप लोग मेरे इंस्टा को फॉलो करें, और बाकी कोई इंक्वायरीज होती है तो मैं स्टार्टिंग में जो नंबर बताया इस नंबर पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हो, और फर्दर मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बहुत सारी शुभकामनाएं, मुस्कुराते रहें, हर हर महादेव।